Ecat Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 7 Permutations, Combinations and Probability में आज हम जिन दो टॉपिक्स के ऊपर मतलब डिस्कवर करेंगे जिन टॉपिक्स को वो है फैक्टोरियल नोटेशन और दूसरा है जी परम्यूटेशन से रिलेटेड. अब इन टॉपिक से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको हम रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से सॉल्व करना सीखते हैं जी. फर्स्ट MCQ है जी जो कि फैक्टोरियल नोटेशन से रिलेटेड है. 4 फैक्टोरियल प्लस 0 फैक्टोरियल का सम क्या होगा. अब देखिए ऑप्शंस में 24 है, 20 है, 23 और 25 है. अब जानते हैं हम कि अगर 4 फैक्टोरियल को अगर हम देखें तो पहले 4 अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट दिया जाए जैसे 1 है, ठीक है, 2 है, फिर 3 है और 4 है, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास कितना आता है. देखें 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 बनते हैं, 12 2 से मल्टीप्लाई होकर 24 और 1 से 24, यानी 24 प्रोडक्ट बनता है. लेकिन इसमें ऐड हो रहा है 0 फैक्टोरियल. अब 0 फैक्टोरियल 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, ये बात याद रहे कि ये 1 के इक्वल है और इसका हमने बकायदा प्रूफ भी किया हुआ है जो हम परम्यूटेशन की डेफिनेशन से भी इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है. तो इसका मतलब कि हम यूँ भी समझ सकते हैं अगर हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट हो तो उसको रखने के कितने तरीके हो सकते हैं, एक हो सकता है. इसे हम कहेंगे कि 0 फैक्टोरियल का मतलब है 1, ठीक है. तो अगर 24 में 1 ऐड किया जाए तो 25 बनता है, ठीक है. इसी ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पर एक क्या होगा, बिल्कुल एक बेस्ट ऑप्शन होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है जी फैक्टोरियल ऑफ -9 इज इक्वल टू, ठीक है. अब याद रहे कि फैक्टोरियल जो फंक्शन है या जो प्रोसेस है वो डिफाइन हुआ हुआ है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, ठीक है. अब यहाँ पर जो -9 है वो एक नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर तो एक सिंपल सा जवाब दे देंगे कि जो फैक्टोरियल है इस नंबर का वो कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि जैसे मैंने बता दिया कि नेगेटिव इंटीजर होने की वजह से. नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इफ एन पी 2 इज इक्वल टू 30. अभी बात हम जानते हैं कि जो हमारे पास परम्यूटेशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर एन पी आर की बात की जा रही है, ठीक है, तो हम इसमें लिखते हैं एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है. यानी अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और r जो है उसके स्पेसिस हों, ठीक है, तो हम उनको इतने तरीकों से जो है वो लिख सकते हैं. अब अगर इसमें n की जगह हम n ही रहने दें और p की जगह 2 पुट कर लें, सॉरी r की जगह 2 पुट कर लें, तो ये रिजल्ट हमें क्या आंसर देगा कि एन पी 2 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है. और अगर हम इस एक्सप्रेशन या इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं n माइनस 2 फैक्टोरियल को, बल्कि n फैक्टोरियल को, तो इसमें n आएगा, फिर n माइनस 1 यानी एक एक लेस होता जाएगा, फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल. n माइनस 2 फैक्टोरियल मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके बाद n माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5, सो ऑन अप टू 2, 3, 1 तक, बल्कि 3, 2, 1 तक आना है. और यहाँ पर n माइनस 2 फैक्टोरियल है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट्स सेम आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए अब हम यहाँ पर 30 लिख सकते हैं क्योंकि जो कि इसकी वैल्यू है NP2 की. और यहाँ पे इसका आंसर आएगा n इंटू एन माइनस 1, यानी अब ऐसे वो कौन से नंबर है जिनका प्रोडक्ट 30 होता है, ठीक है, 30 के फैक्टर्स हमने फाइंड करने हैं. तो अब इसका ये तरीका है कि हम n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ब्रैकेट में, n n से मल्टीप्लाई होकर n स्क्वायर, n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव n आ जाएगा, जबकि इस 30 को अगर हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये माइनस 30 हो जाएगा. और अब हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं n वेरिएबल के हिसाब से, तो n स्क्वायर अगर मैं इसे लिखूँ माइनस 6n प्लस 5n, ठीक है, तो देखें माइनस 6 में n में 5n ऐड करने से माइनस n आ जाता है और मल्टीप्लाई करने से माइनस 30n स्क्वायर आता है जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है. यहाँ साथ ही मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यूज़ की है, तो देखें n कॉमन ले लेते हैं हम, तो n माइनस 6
और यहाँ से इन दो मतलब टर्म में से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो n माइनस 6 यहाँ भी हमारे पास आ जाता है फैक्टर 5 का, और इन दोनों फैक्टर्स में से यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से n माइनस 6 कॉमन ले लें अगर हम, तो एक फैक्टर n माइनस 6 बनता है और एक n प्लस 5 बनता है। अब रियल नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 के इक्वल है इसका मतलब एक लाजमी 0 है, तो अगर n माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा तो n की वैल्यू आती है पॉजिटिव 6, और अगर n प्लस 5 इक्वल टू 0 है तो n की वैल्यू आती है माइनस 5, जो कि इम्पॉसिबल है। तो देखें यहाँ पर फिर हमारा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो 6, मतलब जो आंसर जिसमें सी ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर हमारा दुरुस्त ऑप्शन होगा। और अगर यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ये बात हमें समझ में आ रही है कि अगर 6 n को 6 रखा जाता, ठीक है, तो देखें 6 और 6 में से 1 माइनस करें 5, इनका ही प्रोडक्ट 30 होता है, ठीक है। यानी अगर हम माइनस 6 को सोच रहे होते तो माइनस 6 और इसमें से फिर माइनस 1 करेंगे तो माइनस 7 बनेंगे, तो ये प्रोडक्ट तो 42 बनता है। इसलिए रिवर्स इंजीनियरिंग का अगर मेथड देखा जाता तो ये ऑप्शन भी नहीं बनता। अगर माइनस 5 को सोचा जाए, फर्ज करेगा माइनस 5 है तो माइनस 5 और माइनस 5 माइनस माइनस 6 बनेगा, बेशक इनका प्रोडक्ट 30 बनता है, लेकिन चूंकि ये खुद इटसेल्फ एक नेगेटिव नंबर है इसलिए इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह इसको भी सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि नेगेटिव नंबर है। 5 को अगर हम देखें तो 5 और 5 में से 1 माइनस करें 4, इनका प्रोडक्ट 20 बनता है, इसलिए आंसर तो 30 है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड भी जो है यहाँ पर आप यूज़ कर सकते थे। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ इसलिए किया कि हम एक दफ़ा थॉरली इस बात को जो है यहाँ पर समझ सकें कि ये किस तरीके से हमारा आंसर जो है वो हम 6 ला सकते हैं बाय फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसकी स्टेटमेंट है कि हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन विद 3 फ्लैग्स विद 3 डिफरेंट फ्लैग्स व्हेन एनी नंबर ऑफ देम मे बी यूज्ड। यानी अगर हम 3 मुख्तलिफ रंगों के झंडे इस्तेमाल कर रहे हों सिग्नल्स देने के लिए तो उन्हें कितने तरीकों से मुख्तलिफ तरीकों से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑल पॉसिबल वेज में हमने बात करनी है, ठीक है। तो अब इसमें देखें जिस तरह अगर 3 फ्लैग दिए हैं और एक वक्त में एक फ्लैग अगर हम ला रहे हैं तो ये 3 वेज तो ये हो गए, ठीक है। अब अगर एक वक्त में हम 2 फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, उसके 6 वेज हो सकते हैं, ये बात हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। और अगर एक वक्त में हम 3 फ्लैग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हमारे पास जो उसके तरीके हैं वो क्या है, वो 6 है, ठीक है, मतलब उनकी तरतीब हम बदल सकते हैं, जैसे रेड ब्लू ग्रीन, फिर हो सकता है रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, फिर इसी तरीके से अगर हम रेड को चेंज कर लें लिखें ग्रीन ब्लू रेड, ठीक है, या हम कर लें ग्रीन रेड ब्लू, 4 ये हो गए। इसी तरह अब हम ब्लू शुरू में रख लें और ग्रीन और ये इस तरह से इनको इनकी तरतीब बने, 6 तो ये हो गए, इसी तरह दो दो के हिसाब से भी 6, तो ये टोटल बनते हैं 15। 15 वेज से हम जो है वो अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आएगा। अब इसी बात को हम अगर परम्यूटेशन की डेफिनेशन से समझते तो हम इसमें जो ऑल पॉसिबल वेज की बात करें, 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसकी परम्यूटेशन पहले 1 मतलब प्लेस के साथ रखते हैं हम, 3 ऑब्जेक्ट और एक ही प्लेस हो, या फिर 3 ऑब्जेक्ट्स हो और 2 सिलेक्शन की जाए 2 की, और या फिर तीनों की सिलेक्शन की जाए, इनकी परम्यूटेशन ले ली जाए, ठीक है, बाय डेफिनेशन। तो यहाँ से देख सकते हैं आपकी ये 3 फैक्टोरियल आएगा ओवर 3 माइनस 1 यानी 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 6 यानी 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1 यानी 2 के एक बार, ये हमारे पास जवाब 3 आता है। इसी तरह 3p2 जो है या परम्यूटेशन जो है 3 ऑब्जेक्ट्स की, जब 2 को सिलेक्ट किया जाए 3 फैक्टोरियल ओवर 3 में से 2 का डिफरेंस है 1 फैक्टोरियल, तो ये 6 ही आंसर आएगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है, और 3p3 का मतलब है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ भी आंसर 6 आया। तो ये तमाम अगर ऐड करें तब भी 15 बनता है, यानी
ये एक लॉन्ग वे है, इससे पहले जो हमने तरीका अख्तियार किया था वो एक हमारे पास शॉर्टेस्ट वे यानी रिवर्स इंजीनियरिंग का मेथड है, जिसको कि हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ एन प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन इंटू एन इज, यानी इन कौन से ऑप्शन में से वो ऑप्शन दुरुस्त है जिसको एक्सपेंड करने से ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास। ठीक है, ये भी हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो ये हमारे पास नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए इसमें n प्लस टू अगर हम लिखेंगे फैक्टोरियल की डेफिनेशन के हिसाब से तो फिर उससे एक लेस नंबर आता है, फिर n से एक लेस आएगा, यानी n माइनस वन आएगा, फिर n माइनस टू आएगा और इसका सो ऑन चलते चलते 3, 2, 1 ये प्रोडक्ट यहाँ तक आएगा, इससे ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग के ही मेथड को देखें तो यहाँ से भी ये प्रोडक्ट हमें नज़र नहीं आता आते हुए, क्योंकि देखें यहाँ पे n प्लस टू आएगा फैक्टोरियल, फिर n प्लस वन आएगा, n आएगा फिर n माइनस वन, यानी ये n प्लस वन n फिर n माइनस वन ये कैंसिल हो जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल इससे, लेकिन इसका जवाब सिर्फ n प्लस टू आता है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन से जो हमें आंसर मिलेगा वो ये होगा जो कि फिर इसके बराबर नहीं, इसी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम थर्ड ऑप्शन को देखें तो इसको अगर एक्सपेंड किया जाता है n प्लस टू आएगा, ठीक है, उसके बाद n प्लस वन आएगा एक एक कम करते हुए, फिर n प्लस वन में भी ये कम करें n आ जाएगा, फिर उससे एक कम करेंगे तो n माइनस वन आएगा, उस तरह से ये फैक्टोरियल चलते चलते 3 to 1 तक, तो इसको हम n माइनस वन फैक्टोरियल कह सकते हैं और इसका डिवाइज़र भी n माइनस वन फैक्टोरियल ही है जो कि एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इससे जो हमें रिजल्ट में प्रोडक्ट मिल रहा है वो बिल्कुल उसी के बराबर है, उस प्रोडक्ट के बराबर है जो कि गिवन है, इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पे वो एक बेस्ट ऑप्शन होगा, जबकि ऑप्शन डी से भी हमें ये जो फॉर्म है ये नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर वो एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्लेन यूजिंग ऑल लेटर्स व्हेन नो लेटर इज टू बी रिपीटेड, यानी अगर 5 लेटर्स हैं इस वर्ड के अंदर पी एल ए एन ई, तो इसमें कोई भी वर्ड फिर दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी ई 2 दफ़ा नहीं आ सकता, ए भी 2 दफ़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स की तादाद 5 है और प्लेसेस की जो वैल्यू है वो भी 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब हम 5P5 जो है वो यहाँ पे मालूम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 में से 5 का डिफरेंस लेंगे तो 0 फैक्टोरियल। तो अब देखें 5 फैक्टोरियल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 5 का प्रोडक्ट 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। ठीक है, जबकि 0 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एक ही ऑब्जेक्ट और उसको रखने के कितने तरीके होते हैं, वो एक ही होते हैं, सिर्फ 1 इसका आएगा। ठीक है, आंसर तो देखें ये 5 4 20 3 6 20 23 60 62 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 आंसर आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास जो इसका आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर सी में है और वो है 120। इस तरीके से फिर हम सी ऑप्शन को जो है वो मार्क कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी। इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों और p जो है वो स्पेसेस हों, तो n p r यानी टोटल जो हमारे पास अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की वो किस इनमें से किस एक्सप्रेशन के बराबर आएगी, यानी अगर मैं यूं बात करूं कि n फर्ज करें 3 हो और जो स्पेसेस हैं वो 2 हो, ठीक है, तो n p r जो है वो इक्वल टू आता है 3p2 बन जाएगा, यानी 3 का फैक्टोरियल ओवर 3 का 2 से डिफरेंस 1 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल होता है 6 के इक्वल, यानी 3 × 2 × 1 6 और 1 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, तो आंसर 6 आता है। अब हम देखते हैं कि इन्हीं वैल्यूज जो n की 3 और r की 2 से कौन सा इनमें से एक्सप्रेशन 6 ही आंसर देगा। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो इसमें ये बन जाता है n प्लस 1 4c r2 है, तो 4p2 को अगर हम सॉल्व करें तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 × 3 × 2 × 1, जबकि 2 फैक्टोरियल होता है 2 × 1, तो वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आंसर आता है 12। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम नहीं सिलेक्ट करेंगे,
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें बी को, तो इसमें हम एन की जगह जब 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और आर भी 2 है, तो 2 पी 2 2 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल, ये तो 2 के ही इक्वल है, ये भी ऑप्शन हमें आंसर ठीक नहीं दे रहा। ठीक है, इसके हिसाब से अगर देखें थर्ड को, तो इसमें एन कितना है 3, जबकि एन माइनस 1 बनता है 2, 2 पी 2, तो ये भी हमने सॉल्व किया था, 2 आया था आंसर इसका, और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 6 आंसर दे रहा है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमें सेम आंसर देगा जो कि ये फार्मूला हमें आंसर दे रहा है, मतलब फार्मूला की शेप में अगर देखा जाए तो ये जो फार्मूला हमें वही आंसर दे रहा है। जबकि इस केस में अगर आप देखें तो इस केस में हमारा आंसर जो है, अभी हमने इसे सॉल्व किया था कि आर माइनस वन, आर माइनस वन बेसिकली 1 ही के इक्वल होता है। ठीक है, चूंकि इसमें आर 2 है इस वजह से मैं कह रहा हूँ, यानी इसको अगर हम 2p1 को अगर, सॉरी ये 1 आना था, 2p अगर 1 को भी अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो ये हमारे पास 2 ही इसका आंसर आएगा, क्योंकि 2 फैक्टोरियल ओवर 2 में से अगर 1 माइनस कर 1 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हमारे पास यही आ रहा था। ठीक है, तो इस लिहाज से फिर ये 6 आया और ये 2 आंसर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा यहाँ पर वो एक बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए हम इसे जो है यहाँ पे इसको मार्क कर देते हैं कि ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है।